हाय एवरीवन, मैं हूँ एलके वासवानी। कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। मोस्टली सबकी फेवरेट होती है, वो है मुरमुरा चिक्की, मुरमुरा लाई या गुड़दाने। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। ये मैं 3 कप पफ्ड राइस या मुरमुरा ले रही हूँ। इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर करके हम पफ्ड राइस या मुरमुरा को 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब इन्हें चेक करेंगे कि ये रोस्ट हुए हैं या नहीं। थोड़ा सा पफ राइस हाथ में लेके ऐसे इनको तोड़ेंगे। ये देखें, बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, तो ये रोस्ट हो गए हैं। अब गैस बंद करेंगे और इन्हें निकालेंगे। जिस बर्तन में चिक्की डालेंगे उसको हम ग्रीस करके रखेंगे। चिक्की को स्मूथ करने के लिए हम एक बाउल के ऊपर भी ऑयल लगा कर रखेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें 1 कप जागरी या गुड़ डालेंगे। उसी कप से हम जागरी या गुड़ लेंगे जिससे हमने पफ्ड राइस लिया था। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसकी चाशनी एक तार की ना बन जाए। जागरी सारी मेल्ट हो गई है और इसमें बुलबुले भी आ रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। ये देखें, ये एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसमें मुरमुरे डालेंगे। अब इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम ग्रीस की हुई ट्रे में डालेंगे। अब इसे ग्रीस किए हुए बाउल से हम स्मूथ करेंगे। ये देखें, अच्छे से स्मूथ कर दिया है। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। ये देखें, इसके पीसेस बना लिए हैं। अब इसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। अब चिक्की को हम डीमोल्ड करेंगे। ये देखें, अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। अब हम इसके पीसेस अलग करेंगे। आपको मुरमुरा चिक्की या गुड़दानी की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।